हेलो बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो मायोपिया है उसके बारे में। इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसका एक और नाम है लॉन्ग साइटनेस। इसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। जब कोई पर्सन किसी दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पा रहा हो लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा हो। जैसे हमने देखा कि कुछ नज़दीक की डिस्टेंस है उसको नहीं देख रहा है, लगभग 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, इस तरह के डिस्टेंस को वो नहीं देख पा रहा है, नज़दीक के चीज़ों को देख नहीं पा रहा है लेकिन दूर का जो भी चीज़ है उसको वो ईजिली देख रहा है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं जो भी बातें अभी हमने बताया, इसके कॉजेज और इसके रे डायग्राम से समझेंगे कि कैसे ये हाइपरमेट्रोपिया फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया। एक और नाम है इसका और लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस बोला जाता है इसको। क्या है ये? जब कोई पर्सन किसी दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख ले, तो इसी चीज़ को लिखेंगे द डिफेक्ट ऑफ आईज, द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट but cannot see nearby objects. This type of defect is known as hypermetropia. Then this type of defect is known as hypermetropia. तो इसको हम लोग समझते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जब कोई नॉर्मल आई रहता है तो उसमें कैसा रे डायग्राम बनता है, कैसे हमारे आईज पे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आई है और यहाँ पे कोई दूर से आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसके इमेज जो है हमारे आई पे नॉर्मली ऐसा बनता है। अगर इस तरह से बन रहा है तो हम कहेंगे कि नॉर्मल आई में हमें जो भी क्लियर दिख रहा है, जो भी इमेज है वो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन समझ लीजिए कि जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमारे सिलियरी मसल्स को काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। कैसे करते हैं सिलियरी मसल्स? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये आई है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़दीक पे रखा गया है, तो यहाँ से जो रे जाएगा इसका पास एक लार्ज एंगल बन रहा है। यहाँ से इसके जब मोड़ने का बात होगा तो इसको ज़्यादा एंगल पे मोड़ करके इस रेटिना पे मिलाना होगा। तो ये काम यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स होता है ये इसको दबा करके इसके पावर को बढ़ा देते हैं। जैसे आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पे मान लीजिए समथिंग 15 डिग्री मोड़ना था, उसके बाद रेटिना पे जो है मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 डिग्री से कुछ ज़्यादा मोड़ना होगा तब जा करके रेटिना पे मिलेगा। तो इसके लिए हमारा सिलियरी मसल्स इसको दबा करके लेंस को मोटा कर देता है, मतलब इसका पावर बढ़ जाता है और ये कुछ यहाँ आकर के मिल जाता है। ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने का कंडीशन है। लेकिन क्या होगा जब हाइपरमेट्रोपिया होगा? तो एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिया होता है तो जो ये हमारा आई बॉल है ये छोटा हो जाता है। मायोपिया में क्या हो जाता था? बड़ा हो जाता था। तो देखिए, जैसे ही ये आई बॉल छोटा हो जाएगा तो ये आई बॉल कुछ मान लेते हैं इतना छोटा हो गया और कुछ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि इसने जितना मोड़ा तो वहाँ पे एक पॉइंट पे ये दोनों
मैक्सिमम नहीं मोड़ पाया, जिसके कारण एक एक पॉइंट पे कट पाए। तो चलिए इसको हम लोग इमेज के मदद से समझते हैं कि कैसे बनाएंगे हाइपरमेट्रोपिया को। चलिए तो देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कैसे हाइपरमेट्रोपिक आई कैसा होता है। ये दोनों तो हमने नॉर्मल आई के लिए देख लिया। ये क्या था, जब ऑब्जेक्ट नियर बाई था, जब नज़दीक पे किसी ऑब्जेक्ट को रखे थे तो ऐसा कुछ था। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर पे रखेंगे और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, तो हाइपरमेट्रोपिक आई जस्ट ऐसा ही बनाता है। हम लोग इसी इमेज को समझ सकते हैं। चलिए इसको हम बना ही देते हैं। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिक आई में जो भी डिस्टेंस से आती हुई रेज होती हैं वो आकर के एक पॉइंट पे कटती हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे आकर के ये मिला और यहाँ से कुछ एंगल्स को फॉर्म करते हुए ये मिल रहा है। अब क्या हुआ, अगली बार ये आई बॉल जो है वो छोटा हो गया। तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर ये छोटा भी हुआ है तो ये कम एंगल मोड़ना था, इसलिए इतना एंगल मोड़ने के बाद ये इस पॉइंट पे आसानी से मिल जाता है। बट जो नज़दीक रखा रहता है ऑब्जेक्ट, उसके केस में देखिए क्या होता है कि आई बॉल छोटा होने के कारण, अब क्या हुआ कि आई बॉल तो छोटा हो गया, अब यहाँ से जो रे जाएगा इसके पास एंगल जो है वो फॉर्म करता है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा एंगल ये मोड़ पाया, मान लीजिए 30 डिग्री, और 30 डिग्री मोड़ने के बाद ये कुछ ऐसे गया और ये कुछ ऐसे, दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिल पाए। क्यों, क्योंकि पहले वाले केस में अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे मिल रहा था, इससे पहले जो इमेज बना था, और ये आई बॉल जो यहाँ था इस बार छोटा होके आगे आ गया, तो नज़दीक वाले इमेज को तो ये नहीं बना पाया। अब यही आई बॉल दूर वाले इमेज को क्यों बना पाता है, इसको देखते हैं। तो देखिए जो भी रेज दूर से आएगा ऐसे, इस रेज को कम एंगल मोड़ना है। देखिए जितना एंगल यहाँ से मोड़ा है अब उतना ही एंगल अब यहाँ से मोड़ेगा, तो ये आसानी से इस पॉइंट पे दोनों मिल सकता है। तो इसीलिए दूर का ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज बना सकता है, क्योंकि कम एंगल मोड़ना रहता है, यहाँ पे ज़्यादा एंगल मोड़ना रहता है और ये ऑब्जेक्ट नज़दीक है। देखिए अगर किसी चीज़ को हम मोड़ रहे हैं तो मोड़ने के बाद ये दूर जा करके मिलता है, अगर इसको नज़दीक चाहे मिलाने के लिए तो और ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, जो कि नहीं कर पाता है सिलेरी मसल्स। तो इस कारण से हम लोग ये डिफेक्ट जो देख रहे हैं, इस डिफेक्ट में यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो बढ़ गया है, मतलब कहेंगे कि फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है। और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसमें यही होता है, लॉन्ग साइटनेस, मतलब लंबा हो गया फोकल लेंथ। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये क्या था, ये हाइपरमेट्रोपिक आई का फिगर था, हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसके कॉजेज क्या है, तो जैसा कि हमने बताया कि इसके दो मेन कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज तो ये है कि आई बॉल का छोटा हो जाना। कई बार क्या होता है कि आई बॉल छोटा नहीं हुआ लेकिन ये लेंस का जो पावर है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब लेंस जो है वो पतला हो जाता है, इसको सिलेरी मसल दबा नहीं पाता है, मतलब इसका पावर ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है। और पावर नहीं इंक्रीज हो पाएगा तो ये क्या करेगा, दूर पे ही इमेज बना पाएगा, मतलब दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकता है। मतलब दूर का जो भी रेज आ रहा है, कम मोड़ना पड़ा यहाँ मिल गया, लेकिन नज़दीक के एंगल को ज़्यादा मोड़ना है, ज़्यादा मोड़ने का ताकत लेंस में नहीं रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। तो दो कॉजेज में फर्स्ट कॉज है जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाता है, आई बॉल ऑफ आई बिकम शॉर्ट, ठीक है। और दूसरा है कंडीशन कि जो इसका फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, देखिए फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हुआ, जहाँ इमेज अब बन रहा है, जहाँ ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगे या फिर अपीयर्स हो रहा है, मतलब फोकल लेंथ इसका क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, और इसका पावर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो सेकंड क्या होगा, द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेज, लेंस डिक्रीजेज, डिक्रीजेज बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ
फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेज। ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया। जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। अब देखिए फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, फोकल लेंथ बढ़ गया, तो फोकल लेंथ बढ़ा होगा तो ये वैल्यू कम आएगा, इसी कारण से जो है इसका पावर डिक्रीज हो जाता है। अब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ये ऐसा डिफेक्ट हो गया तो इस डिफेक्ट में ध्यान से सोचिए कि हमें क्या चाहिए। ये जो रेज पहले से आ रहा है लार्ज एंगल पे, हमें सोचना है कि उसका एंगल किसी तरह से ऐसा फॉर्म हो जाए, मतलब ये जो लार्ज एंगल हो रहा है ये छोटा हो जाए। तो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं, कौन सा लेंस हम लोग लगा करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो कॉजेज लिखने के बाद इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग लिखते हैं, इसका देखते हैं कि करेक्शन कैसे किया जाएगा इस डिफेक्ट को। करेक्शन इसके और भी अगर कह सकते हैं, सिलेरी मसल्स जो है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण भी आपको हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। तो लिखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, करेक्शन कैसे किया जाएगा इसको। तो देखिए करेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि किसी तरह से ये डिफेक्ट ऐसा हो जाए, मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो दिखें, और दिखने के लिए मान लीजिए यहाँ से एक रेज ऐसा आ रहा है, तो हमें चाहिए क्या कि यहाँ से ये जो लार्ज एंगल के साथ जा रहा है आँख में, ये एक छोटे एंगल के साथ जाए, मतलब पार्लल हो जाए ऐसा। और ऐसा कौन सा रेज है जो डाइवर्जिंग रेज को भी कन्वर्जिंग कर देता है, और उसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते भी हैं, मतलब एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं, अगर यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लगाया जा सकता है तो क्या होगा, इसमें रेज जाने के बाद यहाँ से ऐसा पार्लल हो जाएंगी। और पार्लल रेज के केस में तो हम जानते हैं कि आँख में पार्लल रेज जो आ रही थी वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ से ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए ये यहाँ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये पार्लल हो जाने के कारण, ये जो रेज अब पार्लल दिख रही हैं, इस पार्लल रेज के कारण हमें जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट वो क्लियर दिखाई देगा। तो करेक्ट, इसका करेक्शंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो चश्मा है जो बाई फोकल लेंस कह सकते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस का लगा सकते हैं। ये जो कन्वेक्स लेंस है कह सकते हैं कन्वेक्स लेंस, और ये बाई कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो लिख सकते हैं द पर्सन कैन यूज स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मा जो है ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ डिजायर्ड पावर, कन्वेक्स लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ, या डिजायर्ड पावर कह सकते हैं, डिजायर्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये हमारा जो है हाइपरमेट्रोपिया का कॉजेज था, और उसका ये करेक्शन है, इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। जो चश्मा लगता है वो कौन सा होता है, वो बाई कन्वेक्स लेंस का होता है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रहा है तो किस तरह से देगा, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल का। तो सबसे पहले कि ये जो हाइपरमेट्रोपिया था इसी को हम लोग यूज करते हैं, कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो मैक्सिमम 2 मीटर के डिस्टेंस को देखता है और उससे नज़दीक के डिस्टेंस को नहीं देख पाता है, या मान लीजिए कोई पर्सन है वो 1 मीटर के डिस्टेंस को देखता है उससे नज़दीक के डिस्टेंस को नहीं देख पाता है, तो इसको हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अगर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुछ, जो नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, जब कोई पर्सन ओल्ड एज में चला जाता है तो वो ना ही ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख पाता है और ना ही ज़्यादा नज़दीक की चीज़ों को देख पाता है, ऐसा कंडीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जिसमें दूर की चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही हैं और नज़दीक की भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ होता है जो फोकल लेंथ है हमारे लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है इसके कारण, मतलब कह सकते हैं कि लेंस का पावर जो है वो घट जाता है
एज ज़्यादा हो जाने के कारण, इस कारण से जो सिलेरी मसल्स है वो दबा नहीं पाती है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो पाता है कि नज़दीक की ज़्यादा चीज़ें भी नहीं देख पाते हैं, दूर का भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। कह सकते हैं ये सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो गया, दबा ही नहीं पाया कि नज़दीक की चीज़ों को देख पाए, और ये रिलैक्स ही नहीं कर पाया कि दूर की चीज़ों को भी देख पाए। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो लिखेंगे द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच फॉर अवे ऑब्जेक्ट्स एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली इट्स कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इसको प्रेसो बायोपिया भी कहा जाता है। दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज प्रेसो बायोपिया। और इसमें होता क्या है, देखिए आई का जो लेंस है, हमारा आँख का जो लेंस है वो कुछ इस तरह से है, और जो भी दूर से आ रहा है रेज, जो पार्लर रेज आ रहा है, अब इसमें क्या करना है, लेंस का ये क्या हुआ, लेंस का इसमें फोकल लेंथ बढ़ गया, मतलब पावर घट गया है, इसको मोड़ने की क्षमता घट गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही होता है, मोड़ने की क्षमता घट जाती है। अब ये नहीं मोड़ पाया ज़्यादा, अब ये रेज जा कर के यहाँ पर कुछ यहाँ मिलेगा, ये प्रेस बायोपिक आई का कंडीशन है। ठीक है, अगर यही ऑब्जेक्ट अगर हम नज़दीक रखते तो क्या होता, देखिए यही ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक है तो नज़दीक में तो और मोड़ने की कैपेसिटी नहीं है, और ये दूर चला जाएगा, मतलब नहीं हम नज़दीक का देख पाएंगे और नहीं दूर का देख पाएंगे। ऐसा होता है प्रेस बायोपिया के केस में। ये सिर्फ और सिर्फ होता है, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है जिसके कारण पावर डिक्रीज हो जाता है। तो लिखेंगे इसका कॉजेज क्या है, सिर्फ एक ही कॉज है, ये एक्चुअली में ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, तो लिख सकते हैं इसका कॉजेज है द पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेज बिकॉज फोकल लेंथ इंक्रीजेज। और ओल्ड एज प्रॉब्लम है तो होता क्या है, इसमें सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो दूसरा डिफेक्ट और लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिलियरी मसल्स बिकम वीक चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ओल्ड एज प्रॉब्लम भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, इसलिए ओल्ड एज प्रॉब्लम भी इसको बोला जाता है। और ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है जब सिलेरी मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये दोनों जो कंडीशन था, ये दोनों जो फिगर बन रहा था, इसी दोनों फिगर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और इसी भी बता देते हैं करेक्शन कैसे किया जा सकता है। तो देखिए करेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि नज़दीक का भी दिखे और दूर का भी दिखे। तो हम क्या करते हैं, जब कभी हम दूर देखते हैं तो हमारी नज़रें उठी रहती हैं, मतलब जो लेंस लगाएंगे उसमें लेंस में ऊपर वाले हिस्से को दूर देखने के लिए लगाएंगे। और दूर देखने के लिए हम लोग देखे थे मायोपिया वाला लगाते थे, कौन सा, कनकेव लेंस ऊपर लगाएंगे, और फिर जैसे नीचे दिखना है तो हम नज़दीक देखने वाला लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा जो लेंस होगा वो दो तरह का मिक्स होगा, वो होगा कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों का। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे करेक्शन में द पर्सन शुड यूज
एस्पेक्टिव कल्स ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स लेंस भी मिला हुआ है और कनकेव मिल ऑफ बोथ कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स, केव एज वेल एज कन्वेक्स, द अपर पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होगा पार्ट इज कनकेव एंड लोअर पार्ट इज, लोअर पार्ट इज कन्वेक्स, ठीक है। बोथ कनकेव, बोथ मतलब एक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लिख लीजिए यहाँ पे, स्पेक्टिकल्स ऑफ लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। कैसा होता है ये लेंस, ये लेंस ऊपर से ऐसे कनकेव और नीचे से ऐसे कन्वेक्स, इस तरह के लेंस यूज करेंगे। इस तरह से लेंस अगर यूज किया जाएगा तब जा करके इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। जब दूर की चीज़ें देखना है तब कनकेव यूज हो जाएगा, क्योंकि हम नज़रें को उठाएंगे, नज़र उठा करके देखना होता है। नज़दीक के चीज़ को देखने के लिए हमें अपने नीचे करना होता है, तो नीचे वाला पार्ट यूज कर लेंगे। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। ओके, थैंक यू।